मेरे YouTube चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। देखो, ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये प्राइस की वजह से होता है, यानी कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड का गिरना और प्राइस के फॉल होने से डिमांड का इंक्रीज होना मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को लेकर आता है, जबकि शिफ्टिंग इन द डिमांड अदर देन प्राइस कॉजेस की वजह से होता है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए। सिंपल अगर हम समझना चाहें तो मूवमेंट जो होता है वो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आता है उसकी वजह से होता है, और जो शिफ्टिंग होता है वो अपना प्राइस तो सेम रहता है लेकिन किसी और कॉजेस से अगर डिमांड चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व। जैसे कि हम एक टेबल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये प्राइस की वजह से होता है। अगर सपोज प्राइस आपकी 100 है तो प्राइस अगर आपका राइज करेगा और क्वांटिटी फॉल करेगी, क्वांटिटी फॉल करने से प्राइस राइज करेगा, क्वांटिटी प्राइस फॉल करने से क्वांटिटी राइज करेगी, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जैसे कि प्राइस आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका प्राइस 100 है और क्वांटिटी भी आप 100 ही परचेज कर रहे हैं, अगर आपका प्राइस 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा तो आपकी जो डिमांड है वो 100 से गिरकर 80 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका जो प्राइस है वो 120 से फॉल करके 80 हो जाएगा तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 120। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे प्राइस अगर हम 100 अज्यूम कर लें तो प्राइस 100 पर क्वांटिटी 100 है, जिसे हम ए कॉम्बिनेशन से शो कर रहे हैं। जैसे प्राइस आपका राइज करेगा 120 होगा तो आपकी जो डिमांड है वो फॉल करके 80 पर आ जाएगी, जो कि बी है। और इसी तरीके से अगर प्राइस 80 आज हो जाता है तो क्वांटिटी राइज करके 120 हो जाएगी, जो कि सी है। अगर हम ए बी और सी को जोड़ देंगे तो इट इज कॉल्ड मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। इस केस में डिमांड कर्व अपवर्ड भी मूवमेंट करेगा और डाउनवर्ड भी मूवमेंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे शिफ्टिंग द डिमांड कर्व की, तो इस केस में जो कमोडिटी का ओन प्राइस है वो सेम रहता है, जैसे कि 100 प्राइस पर 100 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, लेकिन जैसे प्राइस सेम रहेगा यहां पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ये क्यों बढ़ी है, बिकॉज ऑफ अदर कॉजेस की वजह से, जैसे कि कंज्यूमर इनकम बढ़ गई हो या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो गया हो, इन सब की वजह से डिमांड चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर प्राइस 80 हो जाता है तो क्वांटिटी विल बी प्राइस अगर 100 ही रहता है और क्वांटिटी 80 हो जाती है तो इसको भी कहेंगे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व। जैसे कि प्राइस 100 पे क्वांटिटी 100 है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये कॉम्बिनेशन ए है। जैसे ही प्राइस आपका 100 था लेकिन क्वांटिटी राइज करके 120 हो गई, तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होके राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर प्राइस सेम रहे और क्वांटिटी गिर जाए, सपोज 80 हो जाए, तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है एक्सपेंशन इन द डिमांड और दूसरा है कॉन्ट्रेक्शन इन द डिमांड कर्व। एक्सपेंशन जो होता है वो प्राइस के फॉल करने से होता है, यानी कि जब अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी राइज करेगी, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन इन द डिमांड। और अगर प्राइस अगर राइज करता है और क्वांटिटी फॉल करती है तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रेक्शन इन द डिमांड कर्व। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ए, सपोज प्राइस आपका 100 है और क्वांटिटी भी 100 है, इसमें भी प्राइस 100 है क्वांटिटी 100 है। अगर हम बात करेंगे शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व की, तो यहां पे भी अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस 100 है और क्वांटिटी भी 100 है, और इसमें भी अज्यूम कर लेते हैं दैट प्राइस इज 100 क्वांटिटी इज 100, सभी में अज्यूम कर लिया प्राइस 100 क्वांटिटी 100 इनिशियली। एक्सपेंशन इन डिमांड के केस में क्या होगा कि प्राइस गिरने से क्वांटिटी बढ़ेगी 80 पे 120, इंक्रीज इन एक्सपेंशन इन डिमांड के केस में प्राइस 100 पे क्वांटिटी 100 थी, प्राइस फॉल करने से क्वांटिटी राइज कर गई। अगर हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करें तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में
प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी राइज करेगी बिकॉज ऑफ अदर कॉजेस। ये अदर कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज कर जाए, ये सब इसके कॉजेस हो सकते हैं। तो प्राइस सेम पॉइंट प्राइस पे ही कंज्यूमर ज्यादा गुड्स को परचेज कर रहा है। इसी तरीके से कॉन्ट्रेक्शन इन डी डिमांड कब कब कहलाएगा, जब प्राइस राइज करने से क्वांटिटी फॉल करेगी, और डिक्रीज इन डिमांड कब कहलाएगा, जब प्राइस सेम पर ही क्वांटिटी फॉल करेगी। अगर हम डायग्राम की बात करें तो 100 प्राइस पर क्वांटिटी 100 है, 100 प्राइस पर क्वांटिटी 100 है, सभी में 100 प्राइस पर क्वांटिटी 100 है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि प्राइस फॉल करने से क्वांटिटी राइज की है, तो जो ए से बी पर आया तो जो डाउन डिमांड कर्व का जो मूवमेंट होगा इट विल बी डाउनवर्ड। इसी तरीके से ये हमारा डिमांड कर्व है D0 D0, प्राइस सेम रहने पर क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, इसलिए जो डिमांड कर्व है इट विल शिफ्ट राइटवर्ड। इस केस में प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी फॉल कर गई, इसी कहेंगे कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। 100 पे 100 और 120 पे 80, तो जो डिमांड कर्व का मूवमेंट है वो अपवर्ड हुआ है, ए से बी पर अपवर्ड मूवमेंट। इसकी बात करें तो इस केस में प्राइस सेम पर ही क्वांटिटी फॉल कर गई, ये डिमांड कर्व था D0 D0 जो कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर D1 D1 हो गया, जो कि शो कर रहा है कि सेम प्राइस पर कंज्यूमर कम क्वांटिटी परचेज करेगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मूवमेंट्स चेंज इन प्राइस की वजह से आता है, प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी राइज कर जाती है। इसके दो पार्ट है, एक्सपेंशन इन डिमांड, प्राइस फॉल करने से डिमांड बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड में प्राइस राइज करने से डिमांड फॉल कर जाएगी। शिफ्टिंग तब आता है जब प्राइस सेम रहता है, इसके दो कंपोनेंट है, इंक्रीज इन डिमांड सेम प्राइस पर क्वांटिटी राइज करेगी, डिक्रीज इन डिमांड सेम प्राइस पर क्वांटिटी फॉल करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।